गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड ए न्यू चैप्टर द सुनामी, चैप्टर टू ऑफ योर टेक्स्ट बुक. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड फर्दर व्हाट हैज बीन गिवन इन द स्टोरी. यस्टरडे वी हैव रीड ओनली वन और टू पैराग्राफ्स एंड नाउ वी आर रीडिंग द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट संजीव वॉज ए पुलिस मैन सर्विंग इन ए कचाल आईलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेब्स. बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्विप्ट अवे. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding onto a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन ए डेज. तो यहाँ हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है. जैसे कि कल हमने जो पढ़ा था वो ये था कि इग्नेसियस नाम का एक व्यक्ति है जिसका परिवार उसकी आंखों के सामने देखते देखते लहरों में गायब हो जाता है. और आज हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरा दृश्य जहाँ पर एक पुलिस मैन है जिसका नाम है संजीव. वो निकोबार ग्रुप के आईलैंड्स में से एक आईलैंड कचाल मैं उसकी ड्यूटी लगी है. किसी तरह से वो पुलिसमैन संजीव अपने आप को तो बचा लेता है, अपनी पत्नी को और अपनी बेबी अपनी लड़की को भी बचा लेता है, छोटी बच्ची को भी बचा लेता है. लेकिन अचानक उसको आवाज़ सुनाई देती है, कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है. जॉन नाम के किसी गेस्ट हाउस कुक की पत्नी लहरों में फंस गई है. तो गेस्ट हाउस कुक की पत्नी की आवाज़ सुनाई देती है उसको. संजीव जो कि एक पुलिसमैन है वो पानी में कूद करके गेस्ट हाउस कुक की पत्नी को बचाता है, कोशिश करता है बचाने की. बट दे वर बोथ स्विफ्ट है, वो कोशिश करता है, जंप लगाता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लहरों द्वारा बहा लिए जाते हैं. अंततः कहने का मतलब है संजीव पुलिसमैन उनको बचा नहीं पाता है. एक तीसरा दृश्य है जहां पर 13 साल की एक मेघना है वो अपने माता पिता के साथ देखते ही देखते लहरों के द्वारा बहा ली गई. और उन तीनों के साथ साथ 77 यानी 77 अन्य लोग भी बह गए. मेघना नाम की 13 साल की जो लड़की है उसके माता पिता उन लहरों में डूब गए, उसकी आंखों के सामने अन्य 77 लोग भी डूब गए. लेकिन उसकी शायद किस्मत अच्छी थी, वो किसी लकड़ी के दरवाजे जो कोई एक लकड़ी का दरवाजा उसको मिला तैरता हुआ, उस लकड़ी के दरवाजे के सहारे तैरती रही. 2 दिन तक लगातार वो तैरती रही. इन 2 दिनों में लगभग 11 बार उसके सर के ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स यानी ऐसे हेलीकॉप्टर जो लोगों की मदद के लिए बाढ़ वगैरह में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए भेजे जाते हैं, वो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स उसके सर के ऊपर लगभग 11 बार आए और गए इन 2 दिनों में. लेकिन शायद किन्हीं वजहों से वो समझ नहीं पाए कि यहाँ पर कोई बच्ची है, वो उन्हें दिखाई नहीं दी. रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ने तो उसकी मदद की ही नहीं, वहाँ से गुजर के भी नहीं कर पाए. अंततः उसको लहरों ने एक किनारे पहुंचाया. आगे पढ़ते हैं. अलमास जावेद वॉज 10 years old. सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप. हर मदर राहिलास होम वॉज इन नैनकावरी आइलैंड
The family had gone there to celebrate Christmas. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. एक के बाद एक दृश्य दिखाया जा रहा है. तीन दृश्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब ये चौथा दृश्य. फोर्थ सीन क्या है? अलमास जावेद नाम की एक 10 साल की लड़की है जो पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल है, वहाँ पर कार्मेल कॉन्वेंट नाम के स्कूल में पढ़ती है. पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर का एक पेट्रोल पंप है. उसकी मम्मी जो है नॉन काउरी आइलैंड में रहती है. तो पूरा परिवार जो है नॉन काउरी आइलैंड में जाकर के क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था, या क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया था, आया था. उसी दौरान जब ये समुद्री लहरें आई सुबह सुबह, तो पूरा परिवार सोया हुआ था. अलमा के पापा ने देख लिया था कि लहरें ऊंचाई पर चढ़ रही है और तूफान आ सकता है. वो समझ गया था, अलमा के पापा समझ गए थे कि तूफान आ सकता है. उसने सबको उठाया और उन लोगों ने कोशिश की कि उस तूफान से बच करके किसी सेफ स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए. वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि जैसे ही वो लोग दौड़े और वहां तक पहुंचने की कोशिश किए, इसी बीच में वो हड़बड़ा के जब दौड़े तो गिर पड़े और उसके पिताजी जो है काफी कोशिश करने के बाद भी वहां पर उन बच्चों को, मतलब अपने परिवार को बचा नहीं पाए. सब के सब बहा लिए गए. उनके साथ उनके दादाजी भी थे जिनके सर पर किसी चीज की चोट लगी, और कुल मिलाकर के सब बहा लिए गए. आगे बढ़ते हैं. अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर. ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamortha. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो बच्चों देखो क्या होता है. अलमास की मम्मी जो है वो, और उसके जो उसकी चाची है, वो सब